का असर आज शहर शहर देखने को मिल रहा है। क्या कोलकाता, क्या हावड़ा, तस्वीरें कुछ आपके सामने इस वक्त हैं। ये 12 तस्वीरें देखिए, अलीपुर द्वार से लेकर पुरुलिया और सिलीगुड़ी तक बंद का असर देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ता बंद को असरदार बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस की सख्ती भी दिखाई दे रही है। कई शहरों में पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई हैं। कोलकाता में बीजेपी के कई बड़े नेता हिरासत में लिए गए हैं और इन सभी के बीच गोली चलने और बम बरामद होने की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। सवाल ये उठ रहा है कि इंसाफ की जंग में जो बंद बुलाया गया उसमें गुंडों की ये टोली कहां से घुसाई? क्या ये बंद को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है? और कोलकाता कांड में इस वक्त की एक बड़ी खबर यह है कि एएसआई अरूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो गया है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का दोस्त है अरूप दत्ता, जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हुआ है। वारदात के बाद अरूप की बैरक में संजय रॉय था और अब तक 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। और फिलहाल ये बड़ी अपडेट आ रही है, एएसआई अरूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू हो चुका है। मुख्य आरोपी संजय रॉय का दोस्त है अरूप दत्ता और फिलहाल उसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। वारदात के बाद अरूप की बैरक में संजय रॉय था और इस वजह से इसमें एएसआई अरूप दत्ता का क्या रोल है, ये पॉलीग्राफ के जरिए, इस वैज्ञानिक पद्धति के जरिए जानने की कोशिश की जाएगी कि वो सच कितना बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, क्या इसमें छिपा रहा है, कितना उसके बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं उस केमिकल को देने के बाद। तो ये एक इस वक्त की बड़ी अपडेट है। अभी तक 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुके हैं। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में अब सीबीआई के रडार पर वो शख्स है जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है। इसका नाम है अरूप दत्ता, वही अरूप दत्ता जिसकी बैरक में संजय रॉय वारदात के बाद आकर सो गया था। अब सीबीआई अरूप दत्ता का पॉलीग्राफ टेस्ट करके ये उम्मीद कर रही है कि वारदात से जुड़े अहम राज से पर्दा उठ सकता है। सवालों से भाग रहे कोलकाता कांड के अहम किरदार एएसआई अरूप दत्ता पर सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है। कोलकाता रेप और मर्डर मामले में एक एक कर कई किरदारों की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। जंगन हत्याकांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय के साथ अब तक 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है और अब बारी है कोलकाता कांड के मुख्य आरोपी संजय रॉय के सबसे करीबी अरूप दत्ता की, जो संजय रॉय का जिगरी दोस्त माना जा रहा है। अरूप दत्ता पूरे मामले में अहम कड़ी है क्योंकि संजय रॉय वारदात के बाद इसी अरूप की बैरक में जाकर सो गया था। पॉलीग्राफ टेस्ट होने से पहले सीबीआई अरूप दत्ता से 8 घंटे की कड़ी पूछताछ कर चुकी है। पिछली पूछताछ में एएसआई अरूप दत्ता से कई अहम सवाल पूछे गए थे। सीबीआई ने पूछा था, वारदात वाले दिन संजय रॉय ने बैरक में शराब पी थी? क्या संजय रॉय ने वारदात की कोई बात उसे बताई थी? क्या संजय रॉय हिंसक स्वभाव का था? संजय रॉय का अस्पताल में क्या नाम था? क्या संजय रॉय संदीप घोष को जानता था? सवाल ये भी है, इतनी पूछताछ के बाद पॉलीग्राफ टेस्ट की जरूरत क्यों है? सूत्रों के मुताबिक अरूप दत्ता ने पूरी जांच में सीबीआई को गुमराह करने की कोशिश भी की है, इसलिए अब उससे सच्चाई उगलवाने के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी की गई है। टेस्ट का असल मकसद मुख्य आरोपी संजय रॉय से नजदीकी और वारदात की रात के बारे में जानकारी हासिल करना है। सीबीआई को शक है कि वारदात से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से अरूप दत्ता का कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। कोलकाता केस में सीबीआई ने अब तक मुख्य आरोपी संजय रॉय के साथ आरजीगर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का भी पॉलीग्राफ टेस्ट किया है। इसके साथ आरजीगर मेडिकल कॉलेज के 4 फेलो डॉक्टर और एक वॉलंटियर का पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। इस जघन्य हत्याकांड को सुलझाना सीबीआई के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। मामले में सवाल है कि अगर रेप मर्डर मिस्ट्री में जेल में बंद आरोपी संजय रॉय ही अकेला था तो फिर 7 लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट क्यों किए गए, और अगर दूसरे लोग भी वारदात में शामिल निकल रहे हैं तो फिर और गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही? क्या इस मामले में सीबीआई किसी बड़े चेहरे को सामने लाने की कोशिश में है जिस पर शिकंजा कसने के लिए पुख्ता तौर पर सबूत जुटाए जा रहे हैं?